आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट्स के बारे में। रिपोर्ट्स हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन रिपोर्ट्स हमने देखी थी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन इस बार हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स इन टैली। तो रिपोर्ट्स हम देखने वाले हैं, तो रिपोर्ट्स के अंदर हम क्या क्या देखेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे हम स्टॉक समरी, इन्वेंट्री बुक्स। तो रिपोर्ट्स आपको मैं एक बार और बताता हूँ होता क्या है। जैसे हम जो एंट्रियाँ करते हैं उनका कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, और वो हमें कहीं ना कहीं सेव हो जाती हैं। तो वो हमें दिखाती हैं कि हमारे द्वारा माल बेचा गया या खरीदा गया, या कितना स्टॉक हमारे पास अभी रखा हुआ है। ये होती हैं रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिपोर्ट्स में स्टॉक समरी इन टैली। तो स्टॉक समरी होती क्या है? तो स्टॉक समरी का मतलब होता है हमारे द्वारा जो भी माल खरीदा गया, जो भी माल बेचा गया, या फिर कितना माल नेगेटिव में है या कितना प्रोडक्ट नेगेटिव में है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। या फिर हमने किसको कितना माल बेचा है, या कितना कैश में बेचा है, या कितना क्रेडिट में बेचा है, वो सारी चीज़ें आपको स्टॉक समरी में दिखाई दे जाएंगी। तो सबसे पहले आपको जाना कहाँ पर है? गेटवे ऑफ टैली पे जाना है। तो गेटवे ऑफ टैली में आपको मिलेगा स्टॉक समरी। तो स्टॉक समरी में आप जाएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। स्टॉक समरी में जाके एंटर करेंगे तो मैंने पिछली क्लास में दो ग्रुप बनाए हुए थे और उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एंटर करके दिखा देता हूँ। स्टॉक समरी कुछ ऐसी दिखाई देगी। अप्रैल में हमने माल खरीदा है, कितना आया है उसको बोला जाता है इनवर्ट, यानी कितना आपने खरीदा। तो सात सात सेट आए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद चार सेट आउट हुए हैं और तीन क्लोजिंग में बचे हुए हैं। अब मैं बता देता हूँ कैसे। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि तीन एंट्री हमने की है। पहली एंट्री करी हमने 1 अप्रैल में, कैश में परचेस किए थे 5 सेट, ठीक है। उसके बाद हमने सेल कर दिया 2 सेट, तो 3 में से 2 सेट माइनस हो गए, यानी कि सॉरी 5 में से 2 सेट माइनस हो गए, बचे 3। 3 सेट्स में से हमने 2 सेट और आए, लेकिन कहाँ आए? ये ट्रांसफ़र की एंट्री की गई है। ट्रांसफ़र की एंट्री करने का मतलब यह है कि हमने मेन लोकेशन से माल को भेज दिया है दूसरी लोकेशन पे। तो इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको ये देखना पड़ेगा। मेन लोकेशन से मैंने माल को भेजा है DIG बंगलो पे, यानी 2 सेट यहाँ से चलेगा है DIG बंगलो पे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि बचे कितने हैं, 3 सेट। तो कभी कन्फ्यूज में मत रखिएगा कि 7 सेट। 7 सेट इस तरीके से दिखा रहा है कि इनवर्ट, यानी आए हैं, लेकिन याद रखिएगा हमारे पास अभी बचे 3 ही सेट हैं। इसलिए कभी इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आपको हर एंट्री को मैंने समझा दिया किस तरीके से की गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ, स्टॉक समरी मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्वेंट्री बुक्स। तो इन्वेंट्री बुक्स आपको मिलेगा कहाँ? तो इन्वेंट्री बुक्स होती है जो हमने इन्वेंट किया है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं वो इन्वेंट्री बुक्स होती है। कहने का मतलब यह है कि टैली में स्टॉक आइटम का प्रयोग किसी भी स्टॉक से रिलेटेड एंट्री करने के लिए किया जाता है। स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन नामक ऑप्शन का यूज़ किया था। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर आप इंटर की से प्रेस करके इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन की। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्वेंट्री बुक जो इन्वेंट्री बुक्स होती हैं वो होती क्या है। तो इन्वेंट्री बुक्स हमारे द्वारा जो भी स्टॉक बनाया जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, और जो भी हम माल को सेल करते हैं, परचेस करते हैं, या फिर है ना किसी ने ऑर्डर दिया, किसी का ऑर्डर रुका हुआ है, किसी को माल ट्रांसफ़र किया, या हमने ही अपनी एक ब्रांच से दूसरे ट्रांसफ़र किया, वो सारी चीज़ें आपको इन्वेंट्री बुक्स में देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्प्ले में यहाँ मिलेगा आपको इन्वेंट्री बुक्स। जैसे अकाउंट्स बुक्स मिला था वैसे ही इन्वेंट्री बुक्स मिलेगा। इन्वेंट्री बुक्स के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें सबसे पहला मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है स्टॉक आइटम, यहाँ पर भी मैंने स्टॉक आइटम ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक आइटम बताया। तो स्टॉक आइटम जो हमने खरीदा या बेचा, जो भी हमारे द्वारा बनाया गया। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक मोबाइल बनाया था और एक टीवी बनाया था। तो पहले मोबाइल से दिखा देता हूँ। तो अप्रैल में आपने परचेस, सेल और ये तीन एंट्री आपको दिखाएगा, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये तीन एंट्री की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी स्टॉक आइटम के अंदर। और अगर आप सोनी LED टीवी लेते हो तो यहाँ पे आपको दो ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ये माल खरीदा भी गया और बेचा भी गया, लेकिन इसमें कोई ट्रांसफ़र नहीं किया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तो स्टॉक आइटम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ पे अब ग्रुप समरी, तो ग्रुप समरी ग्रुप से इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप है, एक मोबाइल जिसके अंदर एक ही मोबाइल सेट है, तो ये आपके पास रखा हुआ, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टीवी, तो ये टीवी से रिलेटेड ग्रुप समरी है, और टीवी में आपके पास जो भी आपने खरीदा या बेचा वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या मिलता है, तो नेक्स्ट आपको मिल जाता है परचेस ऑर्डर बुक, यानी कि अगर आप किसी को परचेस करते हो, किसी से परचेस ऑर्डर करते हो, फॉर एग्जाम्पल का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो परचेस ऑर्डर का मतलब होता है कि यदि हम किसी से परचेस नहीं करते हैं लेकिन उसे परचेस करने से पहले एक ऑर्डर देते हैं कि भाई मेरे को इतना माल चाहिए, वो कहता है ठीक मिल जाएगा लेकिन आपको इतना वेट करना पड़ेगा, तो वो एक ऑर्डर कहलाएगा। तो जो भी हमारे द्वारा परचेस ऑर्डर किए जाते हैं वो इसके अंदर दिखाई देते हैं। अभी मैंने फिलहाल कोई परचेस ऑर्डर नहीं किया है, तो यहाँ पे ये खाली दिखाई दे रहा है। अगर मैं परचेस ऑर्डर करूँगा तो यहाँ पे दिखाई देगा, और मैं आगे की क्लास में आपको परचेस ऑर्डर बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको स्टॉक ट्रांसफ़र। स्टॉक ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को माल को भेजना, ठीक है। तो इसको बोला जाता है स्टॉक ट्रांसफ़र। तो स्टॉक ट्रांसफ़र यानी कि हमारी जैसे मान लीजिए दो ब्रांचेस है, तीन ब्रांचेस है, अब हुआ क्या कि भाई इस ब्रांच के पास है ना वो माल नहीं था, अब हमें परचेस नहीं करना था, हमने कहा कि भाई यहाँ पे वैसे ही रखा हुआ है, अब यहाँ से मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ पे। तो यहाँ पे आप स्टॉक ट्रांसफ़र में देख सकते हो कि आपने कौन सा स्टॉक ट्रांसफ़र किया। तो मैंने यहाँ पे मेन लोकेशन से माल को भेजा था DIG बंगलो, दो सेट 7,000 रुपये का रेट लगाया था मैंने, ठीक है, और 14,000 रुपये का माल चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है स्टॉक ट्रांसफ़र। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिल जाता है फिजिकल स्टॉक रजिस्टर। अब फिजिकल स्टॉक रजिस्टर होता क्या है इसको ध्यान से समझिएगा, ये ज़्यादा आपके सामने तो नहीं आएगा लेकिन ये फिजिकल स्टॉक रजिस्टर होता क्या है पहले आप इसको समझ लीजिए। तो फिजिकल स्टॉक रजिस्टर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर बाउचर को किसी विशिष्ट स्टॉक आइटम, फिजिकल स्टॉक बाउचर को किसी विशिष्ट स्टॉक आइटम का वास्तविक स्टॉक रिकॉर्ड दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इन्वेंट्री बहियों में बाउचर प्रविष्टि की दिनांक पर उपलब्ध स्टॉक का वास्तविक बैलेंस दर्शाया जाता है, तथा स्टॉक में अंतर को परिस्थिति अनुसार आवक एवं जावक के रूप में स्वचालित रूप से जोड़ दिया जाता है। विसंगति की वजह को फिजिकल स्टॉक जनरल बाउचर की नरेशन फील्ड में दर्ज किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि फिजिकल स्टॉक की मैंने जो डेफिनेशन थी वो तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं इसको आसान शब्दों में बता देता हूँ। तो फिजिकल स्टॉक का मतलब होता है, मान लीजिए कि हमें कोई सैंपल देना है किसी व्यक्ति को, ठीक है, या फिर हमें कोई फ्री प्रोडक्ट देना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी ने अगर 10 मोबाइल या 15 मोबाइल खरीद दिया तो उसको एक पावर बैंक फ्री देना पड़ रहा है, तो अब पावर बैंक बेच नहीं रहे तो वो जा कहाँ रहा है, जैक जा कैसे रहा है, तो वो फिजिकल स्टॉक के द्वारा एडजस्टमेंट किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने इसमें कोई एंट्री नहीं की हुई है लेकिन फिजिकल स्टॉक रजिस्टर का काम यही है। तो फिजिकल स्टॉक रजिस्टर का मैं सिंपली आपको बता दिया है कि कैसे आपको समझना है इस चीज़ को। तो फिजिकल स्टॉक रजिस्टर अगर अगर किसी ने 10 मोबाइल खरीद लिए जैसे नोकिया के, और उसका एक पावर बैंक उसके साथ मेरे को फ्री देना है, तो वो फ्री जो फिजिकल मैं आपको देने वाला हूँ तो उसके पैसे तो मैं आपसे लूँगा नहीं, तो वो एक फिजिकल स्टॉक रजिस्टर में चला जाता है, ठीक है। तो उसे उसकी एंट्री हम फिजिकल स्टॉक रजिस्टर में करते हैं जिससे वो उसके अंदर दिखाई देने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ मूवमेंट एनालिसिस। तो मूवमेंट एनालिसिस का मतलब वही है जो आपको नाम से समझ में आ रहा है। तो मूवमेंट एनालिसिस का मतलब यह है कि आपको यह बताएगा कि कितना माल हमारे पास आया, कितना माल हमारे पास गया। तो मूवमेंट एनालिसिस में परचेस और सेल्स को देखा जाता है। जैसे कि मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, स्टॉक ग्रुप एनालिसिस, स्टॉक आइटम एनालिसिस, तो ये भी मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो स्टॉक ग्रुप एनालिसिस, आइटम एनालिसिस तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो स्टॉक ग्रुप एनालिसिस से आप चेक करोगे तो स्टॉक ग्रुप से बताएगा, आपको इतना तो समझ में आएगा होगा, अगर स्टॉक ग्रुप बोला जा रहा है तो वो ग्रुप से ही दिखाएगा। तो यहाँ पे मोबाइल देख लेता हूँ, तो मोबाइल में मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे तीन एंट्री दिखा रहा है। पहली एंट्री सप्लायर, सप्लायर मतलब कि ये हमारे पास माल आया, हमने परचेस किया, ठीक है। दूसरा ट्रांसफ़र इन्वर्ट, तो ये भी आया है लेकिन कैसे, ट्रांसफ़र से, यानी हमने ही अपनी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र किया। दूसरा मूवमेंट आउटवर्ड में लिखा हुआ है कि हमारे द्वारा जो माल गया, कहने का मतलब कि हमने माल बेचा तो हमारे पास से वो गया,
उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रांसफर आउटवर्ड, तो ट्रांसफर यहाँ पे ट्रांसफर इनवर्ड हो रहा है मतलब आ रहा है, तो यहाँ पे गया भी है, तो लोकेशन से गया है, तो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन यानी जा रहा है, तो ये मूवमेंट आउटवर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर आपको चार एंट्री दिखाई दे रही है कि पहला माल आया, फिर माल गया, एक जगह पर माल ट्रांसफ़र हुआ, तो दूसरी जगह पर माल पर माल ट्रांसफ़र होकर चला गया। तो ये मूवमेंट एनालिसिस में बताया जाता है। तो ये तो ग्रुप से हो गई, इसी तरीके से अगर आप देखना चाहोगे तो स्टॉक आइटम से भी आपको ये दिखा देगा। तो स्टॉक आइटम से भी सेम टू सेम आपको ऑप्शन मिलेगा। और अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर दो ही एंट्री की गई है। सप्लायर ने माल बेचा, दो सेट मैंने खरीदे, 35,000 रुपये पर का रेट था। और मूवमेंट आउटवर्ड में कैश में मैंने माल सेल किया, एक सेट सेल किया 36,000 रुपये का, मतलब मैंने 1,000 रुपये का फ़ायदा इससे कमाया है। ठीक है, तो ये कुछ रिपोर्ट्स थी जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। आज की क्लास में हम बात कर